प्रणाम भोजप्रिया जान, आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ली जानी, सब्सक्राइब कर बिल्कुल ही फ्री बा। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अक्सर तो अपन फिल्म के विवाद के लेकर एक घड़ी चर्चा में बाड़े, लेकिन आजकल एगो चर्चा ये चलल रहल बा कि काहे खेसारी लाल यादव के सुपरस्टार फिल्म पर बैन लाग जाता और रिलीज काहे नहीं होत। ईद पर हरेक सुपरस्टार के फिल्म रिलीज हो रहा बा, लेकिन खेसारी लाल यादव के काहे नहीं फिल्म रिलीज हो। तो आप सबके बता दी कि इनकर फिल्म दूगो बा, ओमे से एगो फिल्म रिपोर्ट ऐसा बा कि रिलीज होके वाली भी है, बाबरी मस्जिद के या तो नाम बदल के रिलीज हुई या दिलवाला जो मूवी भी आ अक्षरा सिंह के साथ वो फिल्म रिलीज हो जाए। अनुमान रिपोर्ट या सूत्रों के मुताबिक यह जानकारी मिलल बा कि ई दोनों में से कोनो एगो फिल्म रिलीज होके वाली भी आ खेसारी लाल यादव भी रिलीज करिए। आप सबको बता दी कि बाबरी मस्जिद फिल्म पर सेंसर बोर्ड द्वारा बैन लगा दिया गिरे कि एमे कुछ ऐसा सीन बा जो जिससे सांप्रदायिक हिंसा भटक सकता था, और दिलवाला फिल्म में अक्षरा सिंह के विवाद के लेके फिल्म के रिलीज ना के लिए खेसारी लाल यादव दोनों ही फिल्म पवन सिंह के फिल्म तबादला के साथ दिलवाला आवे के रहे और बाबरी मस्जिद ही पवन सिंह के फिल्म से टकराए के रहे, लेकिन ये दोनों ही ना फिल्म रिलीज हुई। तो ऐसा अनुमान बा कि खेसारी लाल यादव के पास उ दूगो फिल्म ऐसा बारी से जेकर डेट पहले फिक्स हो गई रहे और रिलीज ना हुई, तो अनुमान ये बा भैया और रिपोर्ट ये बा कि दू में से कोनो एगो फिल्म रिलीज होके वाली भैया ईद पर। तो आप सबके इंतजार खत्म होके वाला बा जहिया खेसारी लाल यादव अनाउंस कर दिस कि उनकर फिल्म रिलीज पर कब रिलीज हुई और कोना डेट के रिलीज हुई, तो वो खातिर हम आप सबके बीच में लेके आए। खाती हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो को लाइक करी और शेयर करी। बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।